आर्य शर्मा, क्लास 11, चैप्टर द स्ट्रेट लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 23.11। टॉपिक क्या है? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन। चलिए तो देखते हैं। सपोज मैं मान लेता हूँ कोई तीन लाइन है, एल, मान लिया ए वन एक्स, अब लाइन का इक्वेशन यही होता है ना, बी वन वाई प्लस सी वन, इसको वन मान लिया, एम इसको मान लेता हूँ ए टू एक्स, बी टू वाई। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिएगा, सीखने को मिलेंगे कुछ। डिटरमिनेंट फॉर्म है जो ट्वेल्थ में सीखना है, तो डिटरमिनेंट का बहुत वेराइटी वेराइटी कैसे कैसे एक्सपेंड करेंगे सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा इसमें, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं अलग रखा हूँ। नहीं तो चाहता तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी करवा देता है एक्सरसाइज का, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इस पर एक अलग ही वीडियो डाल दूं। और इसको मान लिया ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री, और इस सब को इक्वल टू जीरो दे देते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी टू से, तो क्या हो जाएंगे, ए वन बी टू एक्स प्लस बी वन बी टू वाई प्लस बी टू सी वन इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन थर्ड तक हो गए थे, फोर्थ ले लेता हूँ। इक्वेशन सेकेंड में बी वन से मल्टीप्लाई करूँगा, ए टू बी वन एक्स, बी वन बी टू वाई, बी वन सी टू इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन फाइव मान लेता हूँ। मैं अब फोर में से फाइव को माइनस करता हूँ, ए वन बी टू एक्स प्लस बी वन बी टू वाई प्लस बी टू सी वन माइनस ए टू बी वन एक्स माइनस बी वन बी टू वाई प्लस माइनस बी वन सी टू इक्वल टू जीरो। बी वन बी टू वाई, बी वन बी टू वाई कैंसिल, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस है उधर प्लस में और ये माइनस में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में चले जाएंगे, बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। एक्स का वैल्यू निकाला हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, ये एल है लाइन और एक एम लाइन है, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ना। सपोज मान लिया ए, तो उसका ए का एक्स निकल गया है, अब वाई निकालूंगा। अगेन फर्स्ट में अब ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ए वन से। नाउ फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए टू से, तो ए वन ए टू एक्स, और इसके बाद ए बी वन ए टू वाई प्लस सी वन ए टू इक्वल टू जीरो। इसको सिक्स इक्वेशन मानते हैं। फिर सेकेंड इक्वेशन को अगेन ए वन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ए वन ए टू एक्स बी टू ए वन, या फिर ए वन बी टू लिख सकते हैं, प्लस ए वन सी टू इक्वल टू जीरो। इसको सेवन मान लेता है। फिर से सिक्स में से सेवन को माइनस करूंगा, जैसे इसमें किया हूँ वैसे करिएगा, तो वाई का वैल्यू निकल के आएगा आपका ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू, ये वाई वैल्यू आई यहाँ आ गया। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट आ गया एक्स वाई, ये निकल के आ गया। अब बोला तीन लाइन कंकरेंट है, तो एक और लाइन से कोई मैं मान लिया ये एन, मतलब कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब कंकरेंट है तो एल और एम से जो ए का
एक कोऑर्डिनेट आया था वो तो एन पे भी रहेगा ना, तो उस एन एन लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए लाई ऑन लाइन एन सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन। क्यों ऐसा करेगा भाई? सिंस ऑल थ्री लाइन आर कंकरेंट, कंकरेंट है इसीलिए। तो इसके वैल्यू में एक्स ये वैल्यू और यहाँ वाई का वैल्यू जो निकाला हूँ पुट करूंगा, तो ए थ्री एक्स है, एक्स का वैल्यू निकाला हूँ, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, फिर बी थ्री वाई, वाई का वैल्यू ये ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेके सॉल्व करूं, देखिए ए वन बी टू ए वन बी टू ए टू बी वन ए टू बी वन, तो मैं एलसीएम लूं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, सेम चीज़ है, तो ये तो इतना ही रह जाएगा, ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब ये देखिए माइनस आएगा, माइनस दोनों अपोजिट है ना, तो माइनस आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सेम रहेगा ऊपर में, माइनस ए टू सी वन प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर चला जाएगा तो जीरो, तो ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन माइनस बी टू ये पूरा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, या कुछ नहीं है तो ये सी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन और जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद स्पेस है नहीं, उसके बाद समझाता हूँ क्या कि है क्या। नाउ इसी को मैं आप क्या बोल सकता हूँ कि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म। तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म तो पढ़े नहीं है, क्लास 12th में पढ़िएगा। क्या होता है मैं समझाता हूँ, सपोज एक नंबर ले लिया ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको, और सबके सामने साइन लिखी है, तो ये प्लस होता है साइन, ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो या तो आप ये रो है फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, या तो आप रो बाय रो एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम बाय कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यदि मैं रो वन के अलोंग एक्सपेंड करूं तो ए वन को रहने दूंगा, तो ए वन जब रहेगा तो ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, बच जाएगा ये, तो पुट कर देता हूँ बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री, और यहाँ प्लस था तो ये प्लस लिया, फिर ये बी वन लेंगे तो है क्या साइन माइनस, बी वन जब लेंगे तो ये वाला रो ये कॉलम और ये रो नहीं लेंगे, बच गया ये और ये लेंगे, तो साइन है तो ऐसा नहीं कि साइन के साथ ले लीजिएगा, नहीं, यहाँ पे जो लेंगे ना उसको मैं साइन के साथ लिखूंगा, तो इसको अब माइनस मत लिख दीजिएगा। समझ में आ रही बात को? जैसे मैं बी वन लिख रहा हूँ तो बी वन के यहाँ पे साइन लेंगे और अंदर में जैसे ये और ये छूट गया, तो ये वाला ए टू माइनस के साथ नहीं लिखना है, ये अंदर में ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री, ये एक्चुअली ना ऊपर में होता है, ठीक है ना, माइनस ये ऊपर में लिखिए, आगे में होता नहीं है। नाउ आप सी वन को लेंगे,
ये नहीं लेंगे कॉलम और ये रो नहीं लेंगे, बाकी ये चार वो ले लेंगे, ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो ए वन लेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करिए तो बी टू सी थ्री, अब इधर से ऐसे जाएंगे तो माइनस के साथ माइनस बी थ्री सी टू माइनस बी वन ए टू सी थ्री, और इधर से जाएंगे तो माइनस के साथ ए थ्री सी टू फिर प्लस सी वन ए टू बी थ्री, और इधर जाएंगे तो माइनस ए थ्री बी टू इक्वल टू जीरो। ये रो वन के साथ एक्सपेंड किया तब आया, उसी तरह से रो टू के साथ भी कर सकते हैं, अब रो थ्री के साथ करते हैं। तो है क्या यहाँ पे ए थ्री प्लस है तो प्लस, ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे, ये चारों ले लेंगे बी वन सी वन बी टू सी टू, माइनस है बी थ्री के साथ तो ये कॉलम और ये रो नहीं लेंगे, तो ए वन सी वन ए टू सी टू प्लस सी थ्री है तो ये कॉलम ये रो नहीं लेंगे, ये चारों ए वन बी वन ए टू बी टू इक्वल टू जीरो। इसको अब एक्सपेंड करते हैं तो ए थ्री ये दोनों का मल्टीप्लाई बी वन सी टू, ऊपर से जाएंगे तो माइनस के साथ तो माइनस बी टू सी वन माइनस बी थ्री ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन प्लस सी थ्री ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। देखिए आप थोड़ा सा चेक करिए, ये जो मैं लिखा था सॉल्व करके लाया था इक्वेशन को, इसी चीज को मैं बोला कि ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए, देखिए आया कि नहीं, ये आ गया ना सेम चीज। तो कहने का मतलब कि इसको मैं ऐसे लिखा हूं तो इसको एक्सपेंड करने पे ये आना चाहिए, आ गया। तो क्या जरूरी थोड़ी हो कि रो थ्री के साथ एक्सपेंड करें, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इससे भी आएगा वही आंसर और इससे भी वही आएगा आंसर, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो भी वही आएगा आंसर, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा चाहे ऐसे चाहे ऐसे सब में एक ही आएंगे। तो आप थोड़ा फील हुआ होगा ना कि इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज तो मिल आई है, क्लियर। चलिए तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, और मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, तब के लिए थैंक यू।